शहर मेरे दी शान निराली, खूबसूरत ईदगाह मसाली ईद। ज़िला खुशाब का 400-500 साल पुराना और कदीम तारीखी शहर हडाली अपनी चंद मुनफरद खसूसियात और रवायात की वजह से एक ख़ास पहचान और शोहरत रखता है। इन रवायात में एक ख़ास रवायत ईद का दिन भी है। जी हाँ, पाकिस्तान में इतनी बड़ी आबादी के शहर में एक ही जगह नमाज ईद अदा करने का रूह परवर मंजर काबिल दीद ही नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा के लिए एक मिसाल भी है। हडाली 70-80 हज़ार आबादी का शहर है, जहाँ एक ही ईदगाह में एक ही वक्त में एक ही जगह पर तमाम तस्बात इखलाफात और दुश्मनी और दुश्मनियों से बलातर होकर एक ही इमाम की इक्तदा में नमाज ईद अदा की जाती है, जो इस्लामी अखुवत और भाईचारे की आला मिसाल है। हडाली के लोग पहले जनाजगाह के खुले मैदान में नमाज ईद अदा करते थे, जबकि 1950 की दहाई में हडाली के एक मुखय्यर जिम्मेदार मोहम्मद हयात सुमली ने ईदगाह के लिए 2 एकड़ रकबा वक़फ़ किया। बाद अज़ां बढ़ती हुई आबादी और नमाजियों के पेश नज़र ईदगाह की मज़ीद तोसी के लिए मोहम्मद हयात के बेटे मोहम्मद चिराग सुमली ने मज़ीद 2 एकड़ रकबा ईदगाह की तोसी के लिए अतिया दिया, जहाँ ईदगाह की नए सिरे से तमीर हुई, जो मौजूदा वसी और एस खूबसूरत ईदगाह की शक्ल में मौजूद है। ईदगाह में आम और जामुन का खूबसूरत बाग है, जो गर्मियों में घने साए मुहैया करता है। इसके अलावा दूसरे दरख्त भी लगाए गए हैं। ईदगाह का मौजूदा रकबा 4 एकड़ पर मुश्तमिल है, जहां बैक वक्त 1 लाख नमाजियों की गुंजाइश है। ईदगाह को जाने के लिए चारों तरफ से रस्ते मौजूद हैं। ईदगाह के चारों दरवाज़ों में खुलफा राशिदीन के नाम पर रखे गए हैं। ईदगाह में दाखिल होने के लिए शुमाल सिमर से मशरकी गेट बाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और गर्बी गेट बाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जबकि जनूब की तरफ से ईदगाह में दाखिल होने के लिए मशरकी गेट बाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और गर्बी गेट बाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मंसूब हैं। ईदगाह से मुहल्लका मदरसा के लिए साबका MPA और चेयरमैन हडाली हाजी मलक खुदा बख्श वडल ने भी 4 किनार रकबा वक़फ़ किया, और यहां सबसे पहले 60 की दहाई में हडाली की पहली दीनी दरसगाह हकीम हाजिक मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब के ज़ेर सरपरस्ती मदरसा जियाउल इस्लाम की बुनियाद रखी गई। नमाज ईद पढ़ने के लिए अमामत की जिम्मेदारी एक ही अहले ख़ानदान के सुपुर्द चली आ रही है। इसी ख़ानदान के हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब अब ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हडाली की इस मसाली ईदगाह और मसाली त्यौहार के इज्तिमा की एक खसूसियत ये भी है कि हडाली की ईद की तरह हडाली की जनाजगाह और कब्रस्तान भी एक है, जो ईदगाह के साथ ही वाक़ है, जहाँ से गुजर कर ईद पढ़ने जाते हैं, और ईद वाले दिन तमाम लोग कब्रस्तान में ज़रूर जाते हैं और अपने प्यारों से और अजीज रिश्तेदारों और आबाओजदाद के साथ कब्रस्तान में मदफून हर शख्स के लिए दुआ ज़रूर करते हैं। हडाली के लोग वो खुशकस्मत लोग हैं जो मौजूदा नफसा नफसी के दौर में भी प्यार मोहब्बत इतहाद और यकानगत की एक ऐसी रवायत और वारसो अमीन हैं जिसकी मिसाल शायद दुनिया में भी नहीं मिलती। हडाली के लोग अपनी इस अजीम मजहबी रवायत को ना सिर्फ ज़िंदा रखे हुए हैं बल्कि इस पर फख्र भी करते हैं। शहर मेरे दी शान निराली, जगते साडा शहर मसाली, अल्लाह सोना इस्ता वाली, शाला वसे शहर हडाली।